हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजनल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो चल रही है ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड, हाइट एंड डिस्टेंस। और इसमें मैंने इससे पहले 7 क्वेश्चनों का और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन दिया है। तो आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। मोहित एक 60 मीटर लंबी इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए, ये हमारी 60 मीटर लंबी या यूं कह दीजिए 60 मीटर ऊंची इमारत है। ये 60 मीटर ऊंची इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा है। ऐसे यहां मोहित खड़ा है और मोहित की जो ऊंचाई है वह 1.8 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? 1.8 मीटर। और इमारत की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। ध्यान से देखो आप, बहुत आसान और सिंपल है। अब अगर मैं इसको सीधा खींचूं रेखा को ऐसे, तो इसका मतलब यहां से यहां लो 1.8 मीटर, ये भी 1.8 मीटर है। शेष बची ऊंचाई यहां से यहां लो कितनी हो गई? 58.2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो होगी 58.2 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 58.2 मीटर। ये क्लियर यहाँ तक? अब उसने क्या किया, मोहित ने इमारत की ओर पैदल चलना शुरू कर दिया। उसके सिर से जहाँ ये खड़ा था, उसके सिर से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण 45 से 60 हो जाता है। यानी जैसे ये यहाँ से चलना शुरू किया, तो पहले यहाँ पर था उसका इमारत की चोटी से 45 डिग्री का कोण, और कुछ दूरी पर चलने पर यहाँ पर आ गया वो। तो अब उसका जो है, कुछ दूरी पर चलने के बाद ये हाइट है उसकी ज्यों की तू, अब उसका कोण हो गया 60 डिग्री। देखिए आप, 60 डिग्री कोण हो गया। क्लियर है ये? देखिए, मोहित ने इमारत की ओर कितनी दूरी तय की, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए सिंपल सा तरीका, ए बी सी डी ई एफ और जी, यानी कि हमें डी ई दूरी ज्ञात करनी है। डी ई की दूरी हमें ज्ञात करनी है, सीधी ही बात है। अब देखो, वही रेशो मेथड जो मैंने आपको बताया है, रेशो मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले कोण उसका बना था 45 डिग्री का। देखो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, 45 डिग्री में लंब हो गया एक, तो आधार भुजा भी यहाँ से यहाँ तक एक हो जाएगी, ये पूरा एक हो जाएगी, ये एक हो जाएगी। एक रख दीजिए इसको, यहाँ पर एक रख दीजिए, ये सेम है एक। क्लियर? 45 के अकॉर्डिंग जैसे ही उसने यहां से यहां तक चलना शुरू किया, तो उसका कोण 60 डिग्री बना। अब 60 डिग्री पर ये बन जाता है √3, ये और ये बन जाता है एक। 60 डिग्री में √3 लंब हो जाएगा, आधार एक हो जाएगा। अब देखिए, इस एक के बराबर हो गया ये √3, यहां से यहां तक हमारा √3 हो गया अब इसके बराबर। अब √3 में से, इस पूरे √3 में से अगर मैं ये एक इसको घटा दूं इस वाले को, तो ये हो गया हमारा √3 - 1। तो डी ई की दूरी जो आ गई √3 - 1 आ गई यहां तक। ये वाला पॉइंट बना है √3 - 1। ध्यान से देखो, अब ये एक √3 - 1 है ये। अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक बराबर 58.2 बटे में √3। तो ये हमारा एक रेशो की जो वैल्यू बनी है 58.2 बटे √3 बनी है। अब इसमें गुणा कर देंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी। देखिए डी की दूरी √3 - 1 में गुणा करेंगे इसकी 58.2 बटे √3।
ये डी ई की दूरी आ जाएगी। बस ये वाला टैलेंट है, ऐसे करना है माइंड से, मेहनत से, टैलेंट से, तो आप सेकंडों में जान जाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ना सीख जाएंगे। तो अब देखिए रूट तीन की मैंने गुणा नीचे भी की और गुणा ऊपर भी की। अब मैंने देखा रूट तीन, तीन से मैं इसको डिवाइड करूँगा, तीन एकम तीन, दो तीन नम सत्ताईस, एक बचेगा दशमलव हो गए बारह, तीन चौ बारह, और रूट तीन की गुणा रूट तीन में करेंगे तीन माइनस रूट तीन। अब देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 19.4 तीन माइनस रूट तीन, 19.4 तीन माइनस रूट तीन, ऑप्शन डी। देख लीजिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब सॉल्यूशन आपके सामने फिनिश किया है। अब हम नया क्वेश्चन भी देखेंगे सुपर तरीके से। एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, एक भवन बना लेते हैं, भवन यहां से हम यहां तक भवन 40 मीटर ऊंचा है भवन, क्लियर, छोटा थोड़ा अच्छी तरीके से बनाएंगे, छोटा सा यहां तक 40 मीटर ऊंचा भवन है ये, क्लियर। और शिखर पर एक मीनार खड़ी है, इसके शिखर पर यहां से एक मीनार खड़ी है, ऐसे मीनार, इसके शिखर से एक मीनार खड़ी है। मीनार के शिखर तथा पाद बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु, और भूमि पर स्थित कोई बिंदु बना लीजिए यहां पर, तो ये बिंदु आ गया भूमि पर कोई बिंदु। मीनार के शिखर तथा पाद बिंदु से, मीनार का शिखर यह है, पाद बिंदु यह है, तो शिखर से तो ये बनेगा यहां, शिखर तथा पाद बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण, यहां से पाद बिंदु से ये बनेगा, ये ऐसे अवनमन कोण 60 से 45 डिग्री हो जाता है। तो देखो अवनमन उन्नयन नहीं, अवनमन ऐसे, तो ये पहले वाला कोण बनेगा 60 डिग्री और ये बाद का 45 डिग्री बन जाता है अवनमन कोण। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है, यह वाली हाइट हमें बतानी है, ए बी सी और डी, यानी कि डी सी बतानी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, डी सी मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, क्लियर। अब देखो सबसे पहले यहां देखेंगे टेन 45 बराबर एक है, और एक की वैल्यू यहां से यहां लो 40 मीटर है, और यहां पर भी जो एक है। अब टेन 60 देखेंगे, टेन 60, टेन 60 हो गया हमारा, टेन 60 लंब बटे आधार, टेन 60 हो गया हमारा पूरा का पूरा रूट तीन, और ये पूरा हो गया यहां से यहां तक एक। अब देखिए मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, रूट पूरे रूट तीन में से अगर मैं ये इतना एक घटा दूं एक, तो ये ऊंचाई आ जाएगी डी सी, डी सी आ जाएगी हमारी इसके रूट तीन माइनस एक, डी सी कितनी आ गई, रूट तीन में से अगर मैं इतना घटा दूं एक रेशो, तो ये आ जाएगा रूट तीन माइनस वन, क्लियर। और ये एक रूट तीन माइनस वन है, और यहां पर मुझे पता है एक के बराबर 40 है, एक रेशो की वैल्यू 40 है, तो मुझे मालूम हो जाएगी डी सी बराबर ये 40 की गुणा कर दी जाएगी, क्योंकि ये भी तो एक रूट तीन माइनस वन पड़ा जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं ये ए है ए, तो ये एक ए ही तो है, एक एक ए है ये, तो इसी तरह से एक रूट तीन माइनस वन है ये, किसी भी संख्या का गुणनफल एक तो निश्चित होता है, तो एक रेशो की वैल्यू 40 है, तो इसमें 40 रूट तीन माइनस वन की गुणा हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर इतने मीटर। देखिए क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही आसान और सिंपल मेथड से हो चुका है, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा 40 बाहर और रूट तीन माइनस वन मीटर, तो मीनार की ऊंचाई होगी 40 रूट तीन माइनस वन मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी पर, देखिए ये अधूरी मीनार है यहां से,
78 मीटर की दूरी पर अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। देखिए, यानी 30 से 60 दुगना हो रहा है, 30 से 60 दुगना हो रहा है। ए बी सी और डी, सी डी, सी डी की ऊंचाई पूछी है, सी डी बताओ कितना ऊंचा है। अब देखो, टेन 30 में क्या होता है, 1/√3, ये टेन 30 का रेशो है 1/√3। और यहाँ पर ये जब 1/√3, ये √3 के बराबर है, तो यहाँ ये 78 के बराबर हुआ ऐसे। अब √3 के मैंने यहाँ पर भी गुणा की और इधर भी √3 की गुणा की, तो ये 3 हो गया, 3 से मैंने इसको काटा 26√3। तो यहाँ से यहाँ लो, अब 1:1 की वैल्यू हो गई, 1:1 की वैल्यू आई या 1:1 की वैल्यू 26√3, जो कि यहाँ से यहाँ लो का आया ये 26√3। 1:1 की वैल्यू बनी है 26√3। अब देखिए, 30 से 60 डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ से ये भी दुगनी ऊंचाई हो जाएगी, इससे यहाँ से यहाँ तक, इससे इसकी ऊंचाई दुगनी हो जाएगी। जब कोण दुगना हो गया तो ऊंचाई भी दुगनी हो जाएगी। तो ये हमारा 26√3 है, तो 26 × 52√3 ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ लो दुगना। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो, बहुत ही प्यारा और आसान तरीका मैंने आपको माइंड से, टैलेंट से, तकनीकी से बताया है। चलिए, वैसे ऐसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, बट लॉन्ग मेथड से तो फिर हम पूरा ऊंचाई दूरी पढ़ाते, लेकिन टेक्निक से आप पढ़िए, बिल्कुल ईजी आसान, यही कॉम्पिटिशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 60 मीटर और 35 मीटर है, चलिए बना लेते हैं। एक खंभा ये हो गया, दूसरा खंभा हमारा ये हो गया ऐसे। इसकी ऊंचाई 60 मीटर और इसकी ऊंचाई 35 मीटर। अब इन दोनों खंभों के आधार, क्षैतिज आधार को सीधा मिला दीजिए ऐसे। जब ये 35 मीटर है, तो ये भी यहाँ से 35 मीटर होगा, बाकी यहाँ से यहाँ लो हमारा 25 मीटर होगा, क्योंकि 25 और 35 60 मीटर होता है। अब इनकी दोनों चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया, इस खंभे की चोटी है, इसकी है, इन्हें रस्सी से जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद यहाँ पर थीटा कोण बनाया जाता है, जरा, जिसकी स्पर्श रेखा 5/9 है, या 5 है या 9 है, यहाँ से यहाँ लो ये, तो ये रेशो में आ गया, तो हम कह सकते हैं 5/25 है ये रहा, तो 9/45 कितना हो जाएगा 45 मीटर ये रहा। 5/25 यहाँ से यहाँ लो हमारा 25 मीटर है ये, तो ये यहाँ से यहाँ लो 5, तो यहाँ से यहाँ लो ये हो गया हमारा 9, तो 9/45। अब यही तो हमसे पूछा है, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ लो 9 है, दोनों खंभों के बीच की दूरी रेशो में, तो जब 5:1 की वैल्यू 25 मीटर है, तो 9:1 की वैल्यू हो गई 5×5=25, 9×5=45 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है, देखिए मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है, यहां पर लिखेंगे 300 मीटर। जब उसकी चोटी का दूसरी मीनार की चोटी से, अब दूसरी मीनार इधर बनाएंगे ऐसे, दूसरी मीनार की चोटी से देखा जाता है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, यहाँ पर इससे इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। दोनों मीनारों के आधारों के मध्य की दूरी, या मीनारों के आधारों की मध्य दूरी 120 मीटर ये होगी, या इसी के बराबर 120 मीटर ये होती है, सेम होता है ये,
छोटे मीनार की ऊंचाई, यह वाली ऊंचाई हमें निकालनी है और ये वाली ऊंचाई इसके बराबर होती है, यहाँ वाली ऊंचाई के बराबर। जबकि यह यहाँ से यहाँ लो ए बी सी आप लिख दीजिए, डी ई कुछ भी लिख दीजिए, पूरी ऊंचाई 300 मीटर है। अगर 300 मीटर ऊंचाई में से मैंने ये वाली ऊंचाई भी घटा दी तो बी सी की ऊंचाई आ जाएगी, यानी कि छोटी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। अब देखो टेन 60 बराबर होता है रूट 3/1, ये बराबर एक रेस होके बराबर है, ये रूट 3/1, रूट 3/1 ये, तो एक रेशो की वैल्यू 120 है, तो इसकी ए बी हो जाएगी हमारी एक रूट 3, यानी कि 120 रूट 3 हो जाएगी ए बी। और हमें निकालनी बी सी, बी सी निकालनी तो 300 में से मैंने क्या किया 120 रूट 3 घटाया, और 300 माइनस 120 रूट 3 का मान हो 1.73, 300 माइनस 0.00 हटी 0.00 यहाँ लगा, 12 3 36, 3 12 7 84, 3 87 8 12 8 20। देखिए यहाँ पर हमारा शेष बचता है 92.40, ये इसमें से ये घटाएंगे और ये यही छोटी मीनार की ऊंचाई होगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। अब नया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, 72 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष का, ये 72 मीटर ऊंची एक मीनार है, शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे, ये इमारत हो गई, इमारत के ऊपर, ऊपर से ये कोण और नीचे ये कोण बनता है, ऊपर ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। इमारत की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हमें बतानी, बहुत ही सिंपल और आसान। अब देखो पूरी ऊंचाई है 72, पूरी ऊंचाई है 72, पूरी ऊंचाई है 72 मीटर, टेन 60 होता है रूट 3/1, रूट 3/1 यानी रूट 3 के बराबर, और हम इसको लिख सकते हैं एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी हमारी 72/√3/1। अब 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, रूट 3 से सीख लीजिए आप, तो क्या होगा 3 से मैंने काटा 24, तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 24√3। अब ये 24√3 इसके बराबर है, 24√3 यहाँ के बराबर। अब टेन 30 बराबर होता है 1/√3, तो ये रूट 3 के बराबर हो गया, और रूट 3 से मैंने रूट 3 काटा तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 24, जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ से यहाँ लो हमारी जो ऊंचाई है 24 है और पूरी है हमारी 72, तो मुझे h का मान निकालना है, तो 72 माइनस 24 घटाएंगे तो बराबर 48, 48 मीटर आएगी इमारत की ऊंचाई, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही सुपर और बेस्ट टेक्निक से आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल खतरनाक कराया जाएगा। देखो समान आधार वाली दो मीनारें, देखिए दो मीनारें जिनके आधार समान हैं, ए और बी है, दोनों मीनारों के आधार के बीच ठीक मध्य में, ठीक मध्य है, मध्य उसे कहते हैं जो दोनों तरफ से इक्वल इक्वल हो, मध्य का मतलब ये होता है, मध्य में ए और बी के शीर्ष उन्नयन कोण क्रमशः ये ए का हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण ए का और ये बी का हो जाएगा 45 डिग्री का कोण, 30 डिग्री 45 डिग्री, ध्यान से देखो इनकी ऊंचाई, इसकी H1 इसकी H2 हमें बताना है, इनका अनुपात H1 H2 का अनुपात बताना, तो जब 30 डिग्री आ जाता है तो लंब और आधार 1 और रूट 3 हो जाता है, यहाँ से यहाँ लो। अब 10/45 में 1 और 1 हो जाता है ये। अब मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ लो दूरी और यहाँ से यहाँ लो दूरी आपस में बराबर होती है, तो जितनी यहाँ रूट 3 है इतनी यहाँ भी ये रूट 3 के बराबर होगी। अब ये 1/√3 है तो यहाँ भी इसके बराबर हो जाएगी, 1/√3 ही हो जाएगी, एक रेशो के बराबर रूट 3। अब देखो इसकी तो ऊंचाई 1 है, H1 रेशो H2 बताना है, तो H1 का 1 और रेशो H2 का हो गया रूट 3। लीजिए क्वेश्चन का आंसर फिनिश,
बहुत इजी और सिंपल तरीके से खलास कर दिया जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने, दो मीनार पी और क्यू, ये भी ऐसे ही बनेगा, दो मीनार पी और क्यू, एक छोटी मीनार बनाएंगे एक बड़ी मीनार बनाएंगे, जिसका कोण बड़ा बनेगा वो बड़ी मीनार, जिसका छोटा बनेगा वो छोटी, और दोनों के बीच सेंटर मध्य बिंदु से उनके शीर्षों की ऊंचाई पर बने कोणों का मान 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है, ये P ये Q, इनकी ऊंचाई H1 ये H2 हो जाएगी, 30 में वही एक रूट तीन और 10-60 में ये रूट तीन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लो और ये एक, अब दोनों बराबर है आपस में तो बराबर रूट तीन के हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ लो, अब एक रूट तीन है तो ये एक रेशो एक रूट तीन है तो एक रूट तीन की इसमें गुणा करेंगे रूट तीन में तीन हो जाएगा, तो एच वन रेशो एच टू, एच वन का एक है और ये हो जाएगा तीन, एक रेशो तीन, लीजिए खलास ऑप्शन ए। देखो फ्रेंड्स आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये लास्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी चैप्टर से भी रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नया चैप्टर आएगा आपके सामने बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपको उसके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ऊंचाई दूरी से रिलेटेड, दो इमारत 38 मीटर और 58 मीटर ऊंची है, देखिए ये 38 मीटर ऊंची है और दूसरी हो जाएगी इधर से हमारी 58 मीटर ऊंची, ये 38 हो जाएगी, दोनों के आधार बराबर है तो ये भी इनके बीच की दूरी भी समान होगी, शीर्ष के मध्य दूरी, इसका शीर्ष इनके शीर्ष के मध्य दूरी 52 मीटर है, तो दोनों इमारतों के मध्य की दूरी बतानी है, यानी कि यह वाली दूरी चाहे यह निकाल दीजिए, एक ही बात है, ये वाली दूरी सेम है, तो दोनों इमारतों के मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी, दूरी निकालनी है बस, अब दिमाग लड़ाए आप, बस बहुत आसान है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक 38 है तो यहाँ से यहाँ लो भी 38 ही होगी, आगे हमारी 20 हो जाएगी यहाँ से यहाँ लो, तभी तो टोटल हमारी 58 होगी ये ऊँचाई। अब देखिए ये हमारी कितनी है, ये हमारी 52 मीटर है, ये 52 मीटर, इसको छोटा रेशो में देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने 4×5=20, 4 से काटा 4 से 13 बार, 13 का वर्ग 169, 5 का 25, 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25, 169 में से 25 घटाएंगे, 169 में से 25 घटाएंगे 144 बचता है, 144 का वर्गमूल 12 होगा और यहाँ 4 से काटा है यानी कि 4 का गुणनफल है यहाँ, तो यहाँ भी 4 का गुणनफल करेंगे, जैसे 5 में 4 की गुणा करूँगा 20, 13 में 4 की गुणा करूँगा 52 और 12 में 4 की गुणा करेंगे तो D बराबर हो जाएगा 12×48 मीटर, या पाइथागोरस थ्योरम से अलग से पूरा डिटेल में कर सकते हो या ऐसे कर लीजिए, बहुत ही भयंकर खतरनाक इजी, सीखिए और बनिए दमदार और खतरनाक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक 6 फीट है लंबा आदमी है, देखिए 6 फीट लंबा आदमी है, उसकी परछाई जो छाया है वो 4 फीट है, छाया ऊपर लिखनी है और ये रियल हाइट नीचे लिखनी, उसी समय एक झंडे की छाया ऊपर लिखनी 50 मीटर और उसकी ऊंचाई हाइट नीचे लिखनी, झंडे की ऊंचाई बताओ, तो बस हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में, 2 से मैंने काटा 4 को 2 दुनी 4, 2 3 6, फिर 2 से इसको भी काटा बराबर में 25 75 फीट, तो झंडे की जो ऊंचाई है वो है हाइट जो है वो 75 फीट है, लीजिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी और आसान कर दिया आपके सामने, ये उड़ा दिया, देखिए मैंने आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी का जो चैप्टर था जिसमें मैंने समकोण द्विभुज पाइथागोरस के थ्योरम को यूज करते हुए इसमें रेशो मेथड यूज किया कोणों के आधार पर, और मैंने आपके सामने इस चैप्टर का बिल्कुल ईजी सॉल्यूशन दिया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए और वीडियो देखते रहिए और इस बार एग्जाम में सफलता प्राप्त कीजिए।